झारखंड के बोकारो के नावडी में मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी बोकारो और गिरिडीह जिले में लघु सिंचाई की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। लगभग दो दर्जन से अधिक चेक डैम और अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर कुल 26 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर झामू के डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो ने सरकार के मंत्री का बचाव करते हुए पदाधिकारियों पर आरोप लगाए कि बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर रहे, सरकार पर निशाना भी साधा है। ये सब बहुत बदमाश अफसर लगो थोड़ा ठाको दिन कैसे कहते टेंडर भेल ना हो 8 तारीख के टेंडर फाइनल बतो टेंडर लास्ट करते। इसलिए मंत्री जी हम आपसे आग्रह पूर्वक कहेंगे कि आप ये अधिकारियों का चेंज करके जितना जल्दी हजार संहिता के पहले इसको सिलापट वहां लगाएं और काम करने का काम करेंगे, ये कहना चाहते हैं आपसे। चुनाव तो प्रक्रिया है और चुनाव हर 5 वर्ष में होता है, अचानक हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं, और सरकार का काम हमेशा चलता रहा, चाहे उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम है और सारी योजनाएं का टेंडर हो चुका है, काम हम लोगों को बहुत जल्द शुरू करना है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, विपक्ष में लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं, सभी कामों का सराहना भी लोगों को करना है। मंत्री जी वाकई में टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर हो चुका है, टेंडर हो चुका है, निष्पादन प्रक्रिया है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है, तो होना ही है, शिलान्यास हुआ है, आपको बहुत जल्द काम पूरा होगा, समय से पहले होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और इसका हम लोग उद्घाटन भी करेंगे। मंत्री जी आप सोलर पंप की बात करते हैं, लेकिन सोलर पंप को लगाने के लिए जो पुराना हैंडपम्प था उसी को काट के उसमें लगा के खाना पूर्ति किया जा रहा है, क्या कहेंगे? पानी हर जगह चालू हो रहा है, मैं आपको नहीं, मेरा सवाल है कि सोलर पंप को काट के जो नया सोलर पंप लगाने के बजाय पुराने सोलर पंप पे ही पाइप डाल दिया जा रहा है, हिसाब से उसको पेमेंट भी किया जा रहा है जहाँ पर नहीं, लेकिन योजना तो नए सोलर पंप का है, पानी देना लोगों का मानवों का मकसद है, इस तरह का शिकायतें आएगी तो हम लोग निश्चित तौर पर यदि विभाग के पदाधिकारी इस तरह का गलत काम करें, मैंने पहले ही कहा वैसे लोगों पर हम कार्रवाई आ रहा है, पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी, अब बेरमो में खासकर पानी की काफ़ी समस्या है, इसको दूर करके किस तरह के उपाय किया जाएगा? मैंने पहले कहा कि गर्मी के देखते हुए सरकार पूरी तैयारी की है, हर जगह पानी पीने का जिला प्रशासन टोल फ्री नंबर, यदि कहीं चापाकल खराब होता है तो उसका आधिकारिक तौर पर प्रखंड स्तर पर हमारा विभाग के सभी पदाधिकारी हैं सूचना मिलते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, एक और बेरमू अभी विधायक आरोप लगा रहे कि पैसा लेके काम किया जा रहा है, जगन्नाथ महतो आरोप लगा रहे हैं, उस तरह का मैंने पहले कहा पक्ष विपक्ष आरोप लगाना एक अलग बात है, जो लोग आरोप लगाते हैं इनका कोई सबूत नहीं होता है, और जो ऐसे अधिकारी हैं यदि सूचना है तो हम उस पर ध्यान दें। मंत्री जी एक अंतिम सवाल,